हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका इस तीसरे मास्टर लेक्चर में स्वागत करता हूं और हैबिट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आप जानते हैं हमने दो मास्टर लेक्चर वीडियो पहले दे दिए थे आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो ये तीसरे मास्टर लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि तरभूमि क्षेत्र क्या होता है, झीलों के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मास्टर लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मुझे आप लोगों ने इत्मीनान से सुनना है और मेरी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तरभूमि के बारे में कि तरभूमि या वेटलैंड एरिया जो होते हैं ये क्या है, है ना। तो आप जानते हैं तरभूमि क्षेत्र के बारे में बात करें तो तरभूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जलमग्न या उसमें पानी खड़ा हो। भूमि का कोई ऐसा भाग जो जलमग्न हो या उसमें पानी खड़ा हो वही कहलाता है हमारा वेटलैंड एरिया। ठीक है, अब आप जानते हैं भारत में कितने परसेंट वेटलैंड एरिया है, हिमाचल में कितने परसेंट है, इन सारी चीजों को हम अभी बारी बारी करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनोगे और इत्मीनान से मेरी बातों को नोट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कि तरभूमि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैनग्रोव वन हो गया, दलदली भूमि हो गई, छिछले तालाब हो गए, जो हमारी कृत्रिम झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है, तरभूमि क्षेत्र में आती है। आप जानते हैं भारत में 3% तथा हिमाचल प्रदेश में 1% तरभूमि का विस्तार है। ठीक है जी, तो ये तो होगी तरभूमि की बात। अब इसके विकास की बात करते हैं कि तरभूमि का जो विकास है वो किस तरह से है। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं से जो तरभूमि पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है। ठीक है जी, इसीलिए इस तरभूमि का संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं आज की जो बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ विकास, ये इन तरभूमि को कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम तरभूमि की विशेषताओं की, इनकी विशेषता क्या है। तो एक विशेषता तो मैंने आपको बता दी कि जितने भी हमारे जलमग्न वो भाग है वो तरभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो गुरु गोविंद सागर झील है। ठीक है जी, ये जो तरभूमि क्षेत्र है इसका जो जल है ये स्थायी या अस्थायी रूप में बहता हुआ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें विशेषता में, तो तरभूमि का जल कैसा भी हो सकता है, जैसे ये स्वच्छ भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें विशेषता में तरभूमि की, तो तरभूमि क्षेत्र में छिछले तालाब, कृत्रिम झीलें और मैनग्रोव वन और दलदले क्षेत्र आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिमाचल की तरभूमि में गर्म जल तरभूमि भी है, जिन्हें हम आप जानते हैं गर्म पानी के चश्मे कहते हैं, ये भी तरभूमि के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं ये गर्म पानी के चश्मों का जो उत्पत्ति है, आप जानते हैं कि जो भूगोल शास्त्रियों के अनुसार ये गर्म पानी के चश्मों की उत्पत्ति मैग्मा के साथ संबंधित बताई जाती है। कहीं ना कहीं इन गर्म पानी के चश्मों का संबंध जो है मैग्मा के साथ है, और एक साइंटिफिक रीजन के इसे देखें तो आप जानते हैं सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, इन के यौगिक तत्वों से भी इनका उत्पत्ति या फिर इनका विकास माना जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एरिया की, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो तरभूमि क्षेत्र है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की धरातल पर तरभूमि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 100 मिलियन लोगों से भी ज्यादा, 100 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोगों को क्या, स्वच्छ जल प्रदान करती है, रेशा युक्त पदार्थ, कच्चे माल। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ा होगा आपने, तो बहुत ज्यादा इकोलॉजिक सिस्टम है यहाँ। ये मानव के लिए तो महत्वपूर्ण है लेकिन जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं पारिस्थितिक क्या है, पारिस्थितिक में हम जीवों का जो अध्ययन करते हैं उनका उस क्षेत्र के साथ संबंध क्या है, उस चीज के बारे में हम पारिस्थितिक में पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की इम्पोर्टेंस में, तो मानव के लिए शुद्ध जल प्राप्त करने हेतु इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, और पानी के बहाव को नियंत्रण में करने के लिए
इसकी इंपॉर्टेंस है, और आप जानते हैं मछली तथा भोजन पदार्थों की प्राप्ति के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो मनोरंजन, क्रीड़ा स्थल, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, और प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। इस प्रकार से इन सारे पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए ये इंपॉर्टेंस रखता है इनमें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करें हम कि भारत में जो प्राकृतिक नम भूमियां के विकास के लिए समिति का गठन हुआ, इसके लिए एक समिति बनाई गई, उसका गठन कब हुआ, तो 1987 में इसका गठन हुआ। अब इस समिति के मुख्य कार्यों की बात करते हैं कि इन तर भूमियों के बारे में एक समिति बनाई गई। अब इस समिति का जो मुख्य कार्य है, ठीक है, उन कार्यों को हम देखते हैं। तो फर्स्ट कार्य है इसका नम भूमि क्षेत्रों का चयन करना, और दूसरा कार्य है इसका क्रियान्वयन करने के रूप में रूपरेखा तैयार करना, ठीक है जी। और थर्ड काम है राज्य सरकार की भूमिका निश्चित करना, ठीक है जी, राज्य सरकार की भूमिका को निश्चित करना हो गया। दूसरा पॉइंट क्रियान्वयन करने की रूपरेखा तैयार करना, मतलब लागू किस तरह से करें हम उस काम को, और फिर नम भूमि क्षेत्रों का चयन करना। तो ये तर भूमि की इंपॉर्टेंस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए जो समिति का गठन हुआ वो 1987 में हुआ, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय समिति ने नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य को शामिल किया है। ये जो समिति है इसके अंतर्गत कुछ इसके काम है, ठीक है जी, जिन कामों को इन्होंने अपने इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये कार्य कौन कौन से हैं जो समिति में शामिल है, तो फर्स्ट कार्य है आपका पर्यावरण मुद्दों और नम भूमि के प्रबंध से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत या HP में नम भूमि संसाधनों को स्थिति और समय के साथ उनकी क्षति का मूल्यांकन करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों का पता लगाना, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना। तो ये सारे कार्य इस समिति ने अपने अंतर्गत रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो आप जानते हैं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की जो HP में तर भूमियां हैं, HP में जो तर भूमियां राज्य स्तर की है वो कौन कौन सी है, तो आप जानते हैं भृगु हो गई, भृगु झील, सोलसर झील, नाको, पराशर, मणि महेश, चंद्रनाहन, ये तर भूमियों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेटलैंड एरियो का जो विशेषता है, उनमें हमारा हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम हो गया, ठीक है, पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, इन्हें जो है इंटरनेशनल रामसर सम्मेलन के अंतर्गत इसमें चुना गया था। रामसर सम्मेलन के अंतर्गत इन भागों को, इन डैमों को इसके अंतर्गत रखा गया था। तो ये तो होगी हमारी तर भूमियों की बात, तर भूमि वेटलैंड एरिया क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, तर भूमि क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसी भूमि जो जलमग्न या उसमें पानी खड़ा हो वही कहलाती है हमारी तर भूमि, ठीक है जी। और आप जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झीलों के रिगार्डिंग, तो झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका अपने आप में ही एक महत्व है। आप जानते हैं झीलों की उत्पत्ति, सबसे पहले हम झीलों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता है कि झीलें जो है ज्यादातर हमें मध्य हिमालय में देखने को मिलती है, जैसे कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, सिरमौर हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, इन सारे क्षेत्रों में क्या देखने को मिलती है, हमें झीलें मिलती है। और अगर इनके उत्पत्ति की बात करें तो झीलों की उत्पत्ति ग्लेशियरों से होती है, ठीक है जी। आप जानते हैं झीलों का निर्माण किस तरह से होता है, झीलों का निर्माण जब हमारी हिम नदी बहती है, या जो ग्लेशियर आप जानते हैं उनमें खिसकाव होता है, एक दिन में 2 सेंटीमीटर वो खिसकते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो इन्हीं हिम नदियों के, जब ये हिम नदियां बहती है तो ये इनके जो पानी से बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है, ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है, वही गड्ढे बाद में पानी से भर जाते हैं और उन्हीं को हम झील की संज्ञा देते हैं, ठीक है जी। तो झीलों के बारे में आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है जी। तो झीलों की विशेषताएं देखो, सबसे पहले इनकी स्थिति, उत्पत्ति, और थर्ड आकार,
ठीक है। ज्यादातर झीलों का आकार जो है, ये झीलें ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर तक का इनका विस्तार होता है, ठीक है जी, प्राकृतिक झीलें। और आप जानते हैं इनका प्राकृतिक सुंदरता के महत्व भी बहुत है, और फिफ्थ की बात करें धार्मिक महत्व झीलों के बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे तरभूमीय क्षेत्र की विशेषता, तरभूमीय क्षेत्र, क्योंकि झीलें जो है हमारी तरभूमि क्षेत्र में आती है, तो इनकी जो विशेषता है हमने डिस्कस भी की, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा है, आप इस डाटे को समझ सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल 92 तरभूमियां हैं, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में कुल 92 तरभूमियां हैं, जो प्रदेश के 2.25 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। और ये प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1% भाग है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इन 92 तर भूमियों में से 85 जो है प्राकृतिक झीलें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और 7 जो है मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी, ठीक है। और आर्थिक महत्व, इन झीलों का आर्थिक महत्व, एचपी की झीलों का अपना ही एक आर्थिक महत्व है, ठीक है। इन झीलों में आप जानते हैं, इन झीलों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, जिससे क्या होता है हिमाचल सरकार को काफी आर्थिक रूप से फायदा होता है, ठीक है जी। तो ये झीलों की एक विशेषता थी। अब हम झीलों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं झीलें आपने सबने पढ़ी भी है और अच्छे से भी पढ़ी होगी, तो हम यहाँ थोड़ा डिटेल में झीलों को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इत्मीनान से सुने और चीज़ों को नोट करते हुए चले, ठीक है। तो चलिए, झीलें, झीलें दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम झील की, गुरु गोविंद सागर झील। तो आप जानते हैं ये गुरु गोविंद सागर झील बिलासपुर में है और सतलुज नदी पर है, ठीक है जी, सतलुज नदी पर है, ब्यास बिलासपुर में है, ठीक है। आप जानते हैं इस झील को पुनरुत्थान झील का नाम भी दिया है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनरुत्थान झील भी कहा है, जिसका अर्थ क्या होता है, भारत का नया मंदिर, भारत का नया मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो ये झील सलापड़ और भाखड़ा के बीच में है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है जी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। और इस झील का अगर क्षेत्रफल देखें तो 168 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अगर चौड़ाई की बात करें इस झील की तो 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है जी। और समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करें तो 673 मीटर इसकी समुद्र तल से हाइट है। आप जानते हैं इस झील को गुरु गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। गुरु गोविंद सागर कौन थे, आप जानते हैं सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सागर जी थे, ठीक है। तो ये पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, क्यों ना हम इस झील के साथ, आप जानते कोई झील का जब निर्माण होता है तो उस झील का किसी डैम के पीछे निर्माण होता है, तो ये झील जो है ये भाखड़ा डैम के पीछे बनी हुई है। तो आप जानते जो भाखड़ा डैम है ये पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है जी। और इसका प्रबंधन जो है बीबीएमबी के थ्रू है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसके अधीन जो है इसका प्रबंधन है। और भाखड़ा की अगर बात करें, भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा बांध है, और विश्व का ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं इसको, और विश्व का सबसे ढलानदार डैम भी है ये, ठीक है जी। और नेक्स्ट बात करें तो भाखड़ा की जो लेंथ है ये 518 मीटर है, ठीक है जी। इसका आधार की बात करें, इसके आधार की बात, 362 मीटर लंबा इसका बेस है, आधार है, ठीक है जी। अगर विद्युत क्षमता की बात करें इस डैम की तो ये 1500 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है, ठीक है जी। और आप जानते हैं हमने गुरु गोविंद सागर झील के साथ साथ यहाँ भाखड़ा डैम को भी कवर किया, और गुरु गोविंद सागर झील के पास एक वन्य जीव अभयारण्य है छोटा सा, जिसमें सांभर हो गया, रीछ हो गया, जंगली मुर्गा, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है जी। तो ये तो हमने गुरु गोविंद सागर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पौंग झील की, पौंग झील की। तो पौंग झील आप जानते हैं कांगड़ा में है, पौंग झील आपको कांगड़ा में मिलेगी। इसका जो ब्यास है, ब्यास है मतलब डायामीटर, इसका जो ब्यास है वो कितना है,
पौंग झील का जो ब्यास है ये 5 किलोमीटर मिलेगा, इसकी लेंथ आपको 42 किलोमीटर मिलेगी, ठीक है जी। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 19 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 430 मीटर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। और इसके अगर क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र जो 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं इस झील का जो प्रबंधन भी है, इस झील का प्रबंधन भी BBMB के अधीन ही है। और आप जानते हैं जो पौंग डैम है, पौंग डैम कब बना इसके बारे में भी देखेंगे हम, और पहले झील के बारे में देखते हैं। ये झील जो है 1978 में इसका निर्माण हुआ इस झील का, और इस झील के वातावरण में 220 पक्षियों की प्रजातियां आती हैं और इस झील में स्थाई मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है जी। और ये झील आप जानते हैं पौंग डैम के पीछे बनी है। कोई भी कृत्रिम झील होगी वो किसी न किसी डैम के पीछे बनी होगी। और आप जानते हैं जो पौंग डैम की बात कर रहे हैं, पौंग डैम 1960 में बना था और इस डैम को महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी पौंग डैम के बारे में चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पंडो डैम की। पंडो डैम सभी जानते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मंडी से 19-20 किलोमीटर दूर स्थित है ये, ठीक है। और आप जानते हैं मंडी कुल्लू NH3 पर ये पड़ता है, ठीक है जी। और इसके ब्यास की बात करें तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि पंडो डैम का जो ब्यास है वो कितना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अब चंबा की झीलों की। तो चंबा की झीलों को अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम झीलों को देखेंगे, कौन कौन सी झीलें हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चंबा की झीलों की बात करते हैं, सबसे पहली झील है हमारे यहाँ मनी महेश, चंबा में मनी महेश। ये भरमौर से 35 किलोमीटर दूर है, फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाए कि भरमौर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेकेंड पॉइंट में ये कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है, ठीक है जी, कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ये 3950 मीटर और 4080 मीटर देखने को मिलती है। देखिए हम किसी एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये 4 से 5 बुकों को इकट्ठा देख के डाटा तैयार किया जा रहा है, ठीक है जी। तो आपको पता है हाइटों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट, इस झील की जो घाटी को बुद्धिल घाटी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ये मणि महेश झील है, इस झील की जो घाटी है उसको बुद्धिल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, मणि महेश झील तक पहुंचने के लिए हडसर से 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो बात करें हडसर की, तो आपको बताया मैंने कि इस झील के पास पहुंचने के लिए, मणि महेश के पास पहुंचने के लिए हडसर से 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी मणि महेश की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम खजियार झील की। खजियार झील आपको डलहौजी में मिलेगी, ठीक है। ये चंबा से 24 किलोमीटर दूर डलहौजी उपमंडल में स्थित है। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे, इसकी लेंथ की बात करें तो 0.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर हाइट देखें इसकी समुद्र तल से तो 1951 इसकी हाइट मिलेगी, 1951 मीटर इसकी हाइट मिलेगी, ठीक है जी। अगर एरिया की बात करें तो 5 हेक्टेयर इसका एरिया मिलेगा, 5 हेक्टेयर इसका एरिया मिलेगा। तो ये झील तश्करी आकार की है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से आपको पता है खजियार को जाना जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। अच्छा, तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो नाम दिया वो किसने दिया, बिल्ली पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी, जो कि स्विट्जरलैंड से एक राजदूत आए हुए थे, ठीक है, 7 जुलाई 1992 में, ठीक है, ये नाम इसको मिला। और आप जानते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड नाम पाने वाला ये स्थान जो है 166वां स्थान है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी खजियार झील की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम लामा डल झील की। लामा डल झील की बात करें तो आप जानते हैं ये झील धौलाधार के आंतरिक ढलानों पर चंबा से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लामा डल का अर्थ होता है लंबी झील, ठीक है जी। लामा डल का अर्थ क्या होता है, लंबी झील। समुद्र तल से ये 3962 मीटर ऊंची है, समुद्र तल से कितनी है, 3962 मीटर ऊंची। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लामा डल झील 8 झीलों का समूह है। लामा डल झील जो है 8 झीलों का समूह है। इसका क्षेत्रफल 32 हेक्टेयर है, ठीक है जी। ये झील
समूह नाग दल और नाग छतरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके अगर ब्यास की बात करें तो 2 किलोमीटर इसका ब्यास है, और आप जानते हैं ये डेडिकेटेड है किसको, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट झील की बात करें तो खुंडी मराल झील ये भी आपको चंबा में देखने को मिलेगी, तो चुरा घाटी में स्थित है ये। ठीक है जी, और चौंज पंचायत में स्थित है। ठीक है, और समुद्र तल से जो इसकी हाइट है वो 4355 मीटर है, और ये झील महाकाली नाम से भी विख्यात है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आती है हमारी गडासुरु झील। ठीक है जी, गडासुरु झील इसके रेडियस की बात करें, मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या की बात करें तो 1 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है जी, अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 3505 मीटर देखने को मिलती है, और ये झील चुरा घाटी में देवी कोठी के पास स्थित है। चुरा घाटी में कहां पर, देवी कोठी के पास स्थित है। नेक्स्ट झील आती है हमारी महल नाग डल झील। तो चंबा में ये महलवार धार पर स्थित है, इसे चंबा पर ये महलवार धार पर स्थित है, इसे नाग देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप जानते हैं, नेक्स्ट है हमारी महाकाली झील। तो महाकाली झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 3657 मीटर, और ये झील मणि महेश और खजियार से बड़ी है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्रकूप ताल झील की। चंद्रकूप ताल झील ये भी चंबा में स्थित है, अगर इसकी हाइट देखें तो 3450 मीटर इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। तो ये तो होगी हमारी चंबा की सारी झीलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम मंडी की झीलें, कि मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं मंडी में रिवालसर झील की। रिवालसर झील आप जानते हैं, इसे 7 तैरते टापू की झील के नाम से भी जानते हैं, इसे पद्माकन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस झील को, इस झील का एक प्रसिद्ध नाम है त्रिवेणी, त्रिवेणी नाम से भी इस झील को जानते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर पद्म संभव के जन्मदिन पर छेछु मेला और बौद्ध मेला मनाया जाता है, और आप जानते हैं ये झील जो है रिवालसर झील 3 धर्मों का स्थान है यहाँ पे। ठीक है जी, और रिवालसर झील को तिब्बती समुदाय में छो पद्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपको पता है 1685 में गुरु गोविंद सिंह इसे देखने आए थे, और इसके ब्यास की अगर हम बात करते हैं तो इसका ब्यास 3 हेक्टेयर देखने को मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मंडी में झील आती है पराशर झील। तो पराशर झील आप जानते हैं इसकी समुद्र तल से हाइट जो है 2743 मीटर हाइट है, और मंडी से 40 किलोमीटर दूर है। थर्ड पॉइंट में देखे तो ये पराशर मंदिर यहाँ पे स्थित है, इस झील के पास पराशर मंदिर जो कि पैगोडा शैली का मंदिर है। ठीक है जी, और इस झील का अगर रेडियस देखे, त्रिज्या देखे, तो 0.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो मंदिर है यहाँ, ये पराशर ऋषि और लोमेश ऋषि को डेडिकेटेड है। ठीक है जी, नेक्स्ट झील की बात करें तो कुमारवाह झील। कुमारवाह झील के बारे में इसकी हाइट की बात करें तो 3150 मीटर समुद्र तल से हाइट देखने को मिलती है, और ये झील कामरू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो मंडी से 40 किलोमीटर दूर, और आप जानते हैं मंडी की चचियोट तहसील में ये पड़ती है, और इसकी अगर परिधि देखें, इसकी परिधि की बात करें तो 600 मीटर इसकी परिधि। ठीक है जी, तो फोर्थ झील की बात करते हैं हम कुंत भयोग झील। तो कुंत भयोग झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवालसर से 4 किलोमीटर दूर नैना देवी धार पर स्थित है ये। ठीक है जी, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1700 मीटर इसकी ऊंचाई है, अगर गहराई की बात करें इसकी तो 12 से 15 किलोमीटर इसकी गहराई देखने को मिलती है, और आप जानते हैं यहाँ इस झील के पास जो झरने निकलते हैं उनको नवकोटी गंगा झरने के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो कालासर झील। कालासर झील की बात करें, ये मंडी में स्थित है और समुद्र तल से 1755 मीटर ऊंची है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट झील की, सुखसर झील, जो मंडी में स्थित है। ये झील रिवालसर कस्बे की चोटी पर स्थित है और समुद्र तल से 1760 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये शीत ऋतु में यहाँ बर्फ पड़ती है और पूरी जम जाती है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब कांगड़ा की झीलों की। देखिए, चंबा की झीलें हमने देखी, मंडी की झीलें देखी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया हुआ है।
ठीक है। तो मंडी की झीलों की बात हमने की, अब हम कांगड़ा की झील के बारे में देखते हैं। जो कांगड़ा में प्रसिद्ध झीलें हैं कौन कौन सी हैं, उसमें नाम आता है पहला डल झील। डल झील की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 1775 मीटर ऊंची है ये समुद्र तल से, ठीक है। धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है, और इसके अगर ब्यास की बात करें हम तो 2 हेक्टेयर इसका ब्यास है। और इस झील के पास एक भागसुनाथ मंदिर है, जिसके कारण इस झील को भागसू झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कांगड़ा में करेरी झील की। तो करेरी झील सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जो पानी मिलता है ये लियोन नदी से मिलता है, और ये धर्मशाला से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और समुद्र तल से 1810 मीटर ऊंची है, और आप जानते हैं इसका जो ब्यास है 3.5 हेक्टेयर इसका ब्यास है, और इसके किनारे शिव मंदिर और इसके किनारे ओक और पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। शिव मंदिर और ओक, ओक ओक आप जानते हैं बान और पाइन चील के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुल्लू की झीलों की, ठीक है जी। कुल्लू की झीलों की बात करें तो कुल्लू की झीलों में आपको मिलेगा फर्स्ट भृगु झील, ठीक है जी। तो भृगु झील के बारे में देखते हैं हम। ये झील विशिष्ट गांव के पास स्थित है, विशिष्ट गांव के पास आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 42-35 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलेगी। अगर इसके ब्यास की बात करें तो 3 हेक्टेयर इसका ब्यास है, ठीक है। अगर गहराई की बात करें तो 3 मीटर इसकी गहराई देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका अगर देखें कि ये झील शुक्र के पिता भृगु के नाम से प्रसिद्ध है, और आप जानते हैं 20 भाद्रपद को यहाँ पे देवी देवता स्नान करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुल्लू की झील की बात करें तो दुशहर झील आप सबने सुना होगा इसके बारे में। ये झील रोहतांग दर्रे पर स्थित है और समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अगर ब्यास की बात करें तो इसका ब्यास 4 हेक्टेयर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट झील आती है हमारी नैनसर झील। तो नैनसर झील, ये झील सिराज में भीमद्वार और श्रीखंड पर्वत के बीच में स्थित है। भीमद्वार और श्रीखंड पर्वत के बीच में है। भीमद्वार का अर्थ होता है गुफा, ठीक है। और इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। अगर रेडियस की बात करें इसके तो 1 किलोमीटर इसका रेडियस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और इसे स्थानीय भाषा में लोग यहाँ इस भीमद्वार को, आपको बताया मैंने कि गुफा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो झील है मानतलाई झील। मानतलाई की बात करें तो आपको पता है ये पिन पार्वती घाटी में स्थित है। यहीं से पार्वती नदी को पानी मिलता है, पानी का स्रोत है पार्वती नदी के। आप जानते हैं पिन पार्वती नदी परियोजना भी है, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है, 2051 मेगावाट, ठीक है जी। तो इसके अगर ब्यास की बात करें मानतलाई की तो 3 हेक्टेयर इसका ब्यास है, और समुद्र तल से ऊंचाई देखे तो 41-16 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम झील की, श्रृंग तिनगु झील। समुद्र तल से ये 4200 मीटर ऊंची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, है ना। तो आपको सारी चीजों को कवर करते हुए चलना चाहिए। तो नेक्स्ट है स्योलसर झील। स्योलसर झील की बात करें तो ये जलोड़ी जोत से 5 किलोमीटर दूर है, और इसकी ऊंचाई जो है 3100 मीटर है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ हमने 3 डिस्ट्रिक्टों की झीलों को कवर किया और आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अब नेक्स्ट झीलों की बात करते हैं हम, सिरमौर की झीलें। सिरमौर की झीलों में देखेंगे तो सिरमौर में आपको रेणुका झील मिलेगी। तो रेणुका झील जो है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और आपको पता ही परशुराम की माता रेणुका के नाम से इसका नाम देखने को हमें मिलता है, ठीक है जी। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6600 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखने को मिलेगी। ये नाहन से 45 किलोमीटर दूर है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके अगर ब्यास की बात करें तो 5 हेक्टेयर इसका ब्यास देखने को मिलेगा, और इसके अगर लेंथ की बात करें तो 2.5 किलोमीटर ये देखने को मिलेगी आपको, ठीक है जी। अब आप जानते हैं इस झील की एक खासियत, इसकी जो मेन खासियत है वो इसकी जो आकृति है रेणुका झील की, ये सोई हुई स्त्री के समान दिखाई देती है, सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है ये। और आप जानते हैं विश्व की जो प्राकृतिक झीलों की गणना है,
विश्व की प्राकृतिक झीलों की गणना में रेणुका झील 13वें स्थान पर आती है। और आप जानते हैं यहाँ पे 5 दिन तक रेणुका मेला भी लगता है, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट इस झील का बहुत इंपॉर्टेंट, इस झील का जो मूल नाम है, इस झील का मूल नाम वो राम सरोवर है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट झील की बात करें अगर सिरमौर के, तो सुकेती झील, तो सुकेती झील सिरमौर के सुकेती नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है जी। और आप जानते हैं इस झील के पास एक शिवालिक फॉसाइल पार्क भी है, शिवालिक जीवाश्म पार्क भी स्थित है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सिरमौर की दो इंपॉर्टेंट झीलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम किन्नौर की झीलों की। तो किन्नौर की झीलों के बारे में देखें तो किन्नौर में आपको एक प्रसिद्ध झील मिलेगी देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, नाको झील। तो नाको झील पूह उपमंडल में हंगरंग घाटी, ठीक है, हंगरंग घाटी में स्थित है, पूह उपमंडल के हंगरंग घाटी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये 3662 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके ब्यास की बात करें तो इसका ब्यास जो है 1 हेक्टेयर है, इसका ब्यास 1 हेक्टेयर देखने को मिलता है। और आप जानते हैं शीतकाल में ये झील जो है जम जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो नाको झील पर्वत श्रृंखला रियो पारजिल की पश्चिम ढलान पर स्थित है। जो नाको झील पर्वत श्रृंखला रियो पारजिल के पश्चिमी ढलान पर स्थित है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी किन्नौर की झीलें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम शिमला की झीलों की। शिमला की झीलों की बात करें तो यहाँ पे पहली झील आपको देखने को मिलेगी चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील एरोडू तहसील की चांसल चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, समुद्र तल से इसकी हाइट है वो 42-62 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं पब्बर नदी का ये उद्गम स्थान है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान चंद्रनाहन से पब्बर नदी निकलती है, ठीक है। और इस स्थान को चरमई, चरमई ताल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्थान को चरमई ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो नेक्स्ट झील है, सॉरी, कराली झील। कराली झील, ये झील शिमला जिले में स्थित है और ये छोटा शाली पहाड़ियों पर स्थित है, छोटा शाली पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी खासियत है ये गंदे पानी की झील है, जब दूर से इसको देखते हैं तो सूरज की धूप के कारण ये चमकती है, जब नजदीक जाते तो गंदी प्रतीत होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट झील तानू जुब्बल, तानू जुब्बल झील। ये झील शिमला में 68 किलोमीटर, शिमला से 68 किलोमीटर दूर नारकंडा में स्थित है, ठीक है जी, नारकंडा में स्थित है। ये झील प्रमुख पर्यटन स्थल हाटू के समीप है। नेक्स्ट पॉइंट में जो हाटू टूरिज्म प्लेस है उसके पास ही ये झील स्थित है। और इस झील की समुद्र तल से अगर बात करें, समुद्र तल से इसकी हाइट 2708 मीटर इसकी समुद्र तल से हाइट देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर झीलों की बात करें, दो झीलें इंपॉर्टेंट है, एक गढ़ कुफर झील और दूसरी बरादोनसर झील। ये दो झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शिमला में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाहौल स्पीति की झीलें, लाहौल स्पीति की झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं फर्स्ट झील है लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील की बात करें तो ये झील चंद्र नदी के चंद्रताल में मिलने पर बनती है। चंद्र नदी, जो चंद्रा और भागा नदी आपने सुना होगा, चिनाब की सहायक नदियां हैं, जब चंद्रा नदी चंद्रताल में पहुंचती है तो उसके बाद यहाँ पे चंद्रताल झील का निर्माण होता है, ठीक है। और ये झील आपको पता है कुंजुम दर्रे से चंद्रताल झील की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर दूर है। और कुंजुम दर्रा आप जानते हैं लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बारालाचा उद्गम स्रोत से ये 80 किलोमीटर दूर है। और समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करें तो 42-70 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। अगर ब्यास की बात करें तो 49 हेक्टेयर इसका ब्यास है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई चंद्रताल की। और एक पॉइंट और, इसे लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झील में, नेक्स्ट झील जो है सूरजताल झील। फर्स्ट पॉइंट, इसे लेक ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता। और बारालाचा से निकलने के बाद जब भागा नदी सूरजताल झील का निर्माण करती है, बारालाचा से निकलने के बाद ये भागा नदी जो है सूरजताल झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इसकी समुद्र तल से हाइट जो है 4800 मीटर देखने को मिलेगी आपको। और इसके अगर ब्यास की बात करें तो इसका ब्यास जो है 3 हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट झील लाहौल स्पीति में
डंखर झील। डंखर झील ये लाहौल स्पीति उपमंडल में स्थित है। फिर नेक्स्ट झील एक और है यहाँ पे, नीलकंठ झील। नीलकंठ झील ये मनाली से 140 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई में देखने को मिलेगी 3900 मीटर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से देखने को मिलती है। नेक्स्ट झील की बात करें तो दीपक ताल झील। दीपक ताल झील ये झील दारचा और बारालाचा नामक स्थान के मध्य में स्थित है। दारचा और बारालाचा नामक स्थान के मध्य में स्थित है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो 3200 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, ठीक है जी। फिर आप जानते हैं दीपक ताल झील को सूरज ताल का छोटा भाई भी माना जाता है। इस झील को सूरज ताल के छोटे भाई की संज्ञा भी दी जाती है। फिर लास्ट झील है लाहौल स्पीति की हमारी, यूनामसा झील। यूनामसा झील, यूनामसा झील लद्दाख की सीमा पर स्थित है और इसकी जो हाइट है 4680 मीटर समुद्र तल से हाइट है। तो दोस्तों हमने सारी हिमाचल की झीलों को बहुत अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हिमाचल में शिक्षा। शिक्षा के बारे में बोलने का तात्पर्य ये है कि हिमाचल में जितनी भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, साक्षरता दर, इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी पॉइंटों में देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको, आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। एक साथ चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो शिक्षा की बात करें तो आप जानते हैं 1951, 1951 में प्रदेश की जो साक्षरता थी वो 7.98% देखने को मिली। और इसी दौरान जो है इस समय हमारे यहाँ 457 प्राइमरी स्कूल और 94 माध्यमिक स्कूल और एक ही विश्वविद्यालय था। और वो जानते हैं आप, वो यूनिवर्सिटी शिमला यूनिवर्सिटी थी और 1970 में वो बनी थी। और आप जानते हैं वहाँ के पहले जो सिकंदर कुमार कुलाधिपति थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर 2011 की बात करें, 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 83.78% देखने को मिली, जिसमें से पुरुष और महिलाओं की, जिसमें पुरुषों की 90.83% और महिलाओं की 76.68% देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निर्देशक थे वो केएल सेठी थे। केएल सेठी पहले शिक्षा निर्देशक, एजुकेशन डायरेक्टर, और ये कब बने, ये 1958 में बने थे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें कि 2012 तक के अगर डाटा को देखें तो 10,620 प्राथमिक स्कूल देखने को मिले हमें। और नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो मिडिल स्कूल की बात करें, 2,339 मिडिल स्कूल और 2,000 हाई स्कूल देखने को मिले, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और आप जानते हैं जो जनजातीय दुर्गम क्षेत्र है, जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में जो अध्यापकों की नियुक्ति, है ना, वरिष्ठ माध्यमिक अध्यापकों की सामूहिक आवास प्रदान करने के लिए एक प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई गई, जिस योजना का नाम था यशवंत गुरुकुल आवास योजना। यशवंत गुरुकुल आवास योजना, और ये योजना कब चलाई गई, 1999 में ये योजना चलाई गई, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें SCERT, SCERT आप जानते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोर्ड। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोर्ड तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में सोलन में स्थित है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई। इससे पहले आपको पता है 1970 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इसको बदला गया था। 1970 में क्या था, आप जानते हैं सबसे पहले जो SCERT ये सोलन में स्थित है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसे 1970 में क्या किया गया, जिसे 1970 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बदला गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड है, एचपी धर्मशाला जो बोर्ड आप सुनते हैं, ठीक है, एचपी बोस। तो इसकी स्थापना 3 जुलाई 1969 को हुई, ठीक है जी। कहाँ पे हुई, तो शिमला में हुई। और आप जानते हैं इसने जो पहली परीक्षा अपनी कंडक्ट की
वो 1970 में की, ठीक है। 1970 में कितने एग्जामिनेशन सेंटरों में की, तो इसने 99 परीक्षा केंद्रों में जो है परीक्षा ली, ठीक है। अगर बात करें तो वर्तमान में आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा, तो धर्मशाला में ये स्थानांतरित कब हुआ, धर्मशाला में स्थानांतरित 1983 में ये हुआ। अगर अब बात करें तकनीकी की, तकनीकी विभाग की स्थापना, जो तकनीकी विभाग है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1968 में तकनीकी विभाग की स्थापना हुई। और आप जानते हैं हिमाचल टेक्निकल बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1986। टेक्निकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1968 में और टेक्निकल बोर्ड की स्थापना 1986 में। तो इसके अंतर्गत आपको पता है 132 BTC और 10 सरकारी और 24 निजी पॉलिटेक्निकल और 84 सरकारी और 95 ITI आते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आप जानते हैं 3 विश्वविद्यालय है और 70 सरकारी कॉलेज है और 5 संस्कृत कॉलेज है और इसके अलावा 17 प्राइवेट संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। और 59 जो है डिग्री कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की, तो मैं बता चुका हूँ आपको 1970 में इसका निर्माण हुआ। और आप जानते हैं यहाँ जो पहले उप कुलाधिपति थे इसके, तो रामकरण सिंह जो इसके उप कुलाधिपति देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्टर YS परमार वाणी की यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई और सोलन में ये आपको मिलेगी। और इसके जो पहले उप कुलाधिपति थे वो MR ठाकुर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की, तो कृषि विश्वविद्यालय 1978 में इसकी स्थापना हुई और इस यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं श्रवण कुमार नाम से भी जानते हैं और पालमपुर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 2009 में हुई और आपको पता है धर्मशाला और देहरा में इसके कैंपस है, धर्मशाला और देहरा में देखने को ये मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ITI, ITI की बात करें तो ITI आपको कमांड में देखने को मिलेगी, कमांड में जो मंडी कमांड है ना, तो 2009 में ये बनी। और नेक्स्ट अगर बात करें NIT हमीरपुर की, तो NIT हमीरपुर इसे जो है पहले REC के नाम से जाना जाता था, REC के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में देखने को मिलती है, ठीक है जी। और हमीरपुर के REC को NIT में कब परिवर्तित किया गया, तो 2002 में से परिवर्तित किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता हमीरपुर को 1995 में पूर्ण साक्षरता जिला, पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया और इसकी साक्षरता दर जो है 89.01% देखने को मिलती है। अगर सबसे कम की बात करें तो चंबा की है 73.19%, ठीक है जी। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल की, सैनिक स्कूल की बात करें तो हिमाचल में एकमात्र सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीहरा में, ठीक है, सुजानपुर में आपको देखने को मिलेगा एकमात्र सैनिक स्कूल। अगर पुस्तकालय की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, तो महिमा पुस्तकालय जो नाहन में है, हिमाचल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है ये, और वहाँ पे मोतीलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी, ये भी आपको सोलन में देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं जो महिमा लाइब्रेरी है इसे 1926 में महाराजा अमर प्रकाश ने बनवाया था, ठीक है जी। अगर बात करें सिरमौर जिले के कोलर में, तो सिरमौर जिले के कोलर में एक IIM की स्थापना की जाएगी। अगर अनुसंधान केंद्रों की बात या रिसर्च सेंटरों की बात करें, तो आप जानते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला कुफरी में देखने को मिलेगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स पालमपुर में है, और रिसर्च कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स पालमपुर में देखने को मिलेगा। अगर लास्ट की बात करें तो नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है ये भी आपको पालमपुर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग ज़रूर इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दें, जिससे मुझे लगे कि नेक्स्ट मास्टर लेक्चर लाना महत्वपूर्ण है, आप सभी को इससे अगर फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे इस मुहिम को आगे ले जाने में मेरा साथ दे। धन्यवाद, थैंक यू। हैबिट एजुकेशन में आपका स्वागत है, थैंक यू।